आईयूवी के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि इसमें मेल के स्पर्म्स को यूट्रस से इंजेक्ट किया जाता है, बट क्या आप इसके लैब के पार्ट के जानते हैं कि लैब में क्या क्या होता है आईवीएफ के केस में? चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ऋचा सिंह है, मैं शामली आईवीएफ आगरा की डायरेक्टर हूँ। आपने ये सुना होगा कि जो मोटाइल स्पर्म्स है, जो तेज चलने वाले स्पर्म्स है, वो फाइनली यूट्रस में हम इंजेक्ट करते हैं, बट उसको मोटाइल स्पर्म्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, कैसे हम फुल सीमेन से, जो फुल सीमेन सैंपल जो पेशेंट देता है उससे जो मोटाइल स्पर्म्स है उनको कैसे हटाया जाता है, देखिए ये सारी चीजें लैब में होती हैं। तो लैब में बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हमें सैंपल आता है, जब हमारे पास जो पेशेंट है उनका हस्बैंड है जो हमको सैंपल देते हैं, सबसे पहले उसको प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि जो हमको सैंपल मिलता है उसमें 3 टाइप्स के स्पर्म्स हमें मिलते हैं। देखिए कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट होता है मोटाइल स्पर्म्स, जो हमको स्लाइड जब हम बनाएंगे और देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो एकदम स्पीड में जो चलते हैं स्पर्म्स उनको मोटाइल स्पर्म्स बोला जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है इमोटाइल स्पर्म्स, जो कि अपने ही प्लेस में जहां पर वो है उधर ही मूव करते रहते हैं, या तो स्लो मूव करते हैं या हेड मूव नहीं कर रही है, सिर्फ टेल मूव कर रही है। और लास्ट कैटेगरी होती है डेड स्पर्म्स, जो कि सिर्फ अपने प्लेस पे रखे हुए रहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में स्पर्म्स हम लोग देखते हैं। जो आईवाई के लिए जिनकी जरूरत हमें होती है वो है नंबर 1 मोटाइल स्पर्म्स। तो जो मोटाइल स्पर्म्स है उसको हम इन सारे स्पर्म्स में से कैसे अलग करते हैं, उस प्रोसेस के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। देखिए सबसे पहले हम जो सीमेन, जो भी जितना भी वॉल्यूम हमें मिला है 1 ml 2 ml, उसको हम सबसे पहले, जैसे ही पेशेंट ने सीमेन दिया है उसको हमको इंक्यूबेटर में, ड्राई इंक्यूबेटर होता है उसमें हमें रखना पड़ता है, क्योंकि उस जो मिनिमम लिक्विफैक्शन का टाइम होता है जिसमें वो जो सीमेन है डाइल्यूट होता है, क्योंकि सीमेन की जो कंसिस्टेंसी है बड़ी ही थिक होती है जैसे जब पेशेंट सैंपल देता है उसके बाद। लेकिन जब हम 30 मिनट्स उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाता है, और किसी किसी पेशेंट के 45 मिनट्स भी लग जाते हैं। तो जब हम देखते हैं हाफ एन आवर 37 डिग्री टेम्परेचर में जो हम इंक्यूबेटर में रखा हुआ है, तब वो नॉर्मल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाता है। उसकी सबसे पहले एक सिंगल ड्रॉप से हम एक स्लाइड में देखते हैं कि हमको कितने नंबर ऑफ स्पर्म्स है जो मोटाइल मिल रहे हैं। फिर इसको हम वॉश करते हैं, वॉश करने के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट, एक अलग इनकी उसकी जरूरत होती है, स्पर्म ट्यूब्स की जरूरत होती है, जिसमें वो स्पिन करता है। हम क्या करते हैं, एक मीडिया लेते हैं और उसको हम सीमेन के साथ मिलाते हैं। एक क्वांटिटी मीडिया लिया, एक क्वांटिटी सीमेन को एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में हमने डाला और चलाया। इसके बाद जब हम एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, कोई 10 मिनट्स, कोई 15 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो करते हैं स्पिन, उसके बाद जब हम देखते हैं एक छोटी सी व्हाइट कलर की पैलेट, मतलब जो डेंस पार्ट होता है वो कलेक्ट हो जाता है टेस्ट ट्यूब में, तो ऊपर का जो सुपरनेटेड पार्ट है इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, जो नीचे वाला हमको पार्ट है वही हमारे काम की चीज है। अब इसमें से सारा, मतलब आप समझिए जब हम इसको स्पिन किया तो सारे डेड मोटाइल जो भी डेब्री सब कुछ उस टेस्ट ट्यूब में नीचे आ गया। अब उसमें से जो तेज चलने वाले मोटाइल स्पर्म्स है उनको हमको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम जो एक मीडिया होता है हमारे पास उसको उसके ऊपर डाल देते हैं एक लेवल तक, तो जो सारे स्पर्म्स, जो मोटाइल स्पर्म्स है वो उस मीडिया के लिए ऊपर की तरफ स्विम कर जाते हैं, जिसको हम स्विमअप टेक्निक बोलते हैं, और जो डेड है, जो इमोटाइल है वो नीचे ही नीचे रह जाते हैं। जब स्पर्म्स ऊपर की लाइन में, लेयर में आ जाते हैं, फिर हम उसको एक ट्यूब के जरिए, ड्रॉपर के जरिए उस मोटाइल स्पर्म्स को कनेक्ट कर लेते हैं, कैथेटर में लोड करते हैं, आईवे के कैथेटर में हम इसे लोड करते हैं, और जब पेशेंट हमारा रेडी होता है तब हम उसमें इंजेक्ट करते हैं वो मोटाइल स्पर्म। तो ये बेसिकली लैब का जो पार्ट है आईयूआई का, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आई होप आपको ये वीडियो से थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, क्योंकि हार्डली बहुत कम मैंने देखे हैं ये वीडियोस जो है अभी अवेलेबल, जो लैब के पार्ट आपको बताए कि आईयूआई में बेसिकली लैब में कैसे सीमेन प्रोसेस किया जाता है। अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आईयूआई या आईवीएफ के बारे में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। थैंक यू।